सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अवार्ड से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब करने वाले हैं, जो आपके अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं या पुरस्कार वितरित किए गए हैं इनसे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा SDG विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या पूछा गया? देखिए, UNDP के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा SDG इस विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का हमें नाम बताना, ठीक है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, सोनू सूद। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं और अभी कोरोना के टाइम में इन्होंने काफी कुछ बहुत अच्छे सराहनीय कार्य भी किए हैं। बस सेवा में अपना सहयोग दिया है और जो भी मजदूर लोग थे उनको उनके घरों तक पहुंचाने में काफी मदद की है। तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, सोनू सूद को ये विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य के टूरिज्म ने PATA पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 ये जीत लिया है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, केरल राज्य के द्वारा इस इनाम को जीता गया है। केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, इसको मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जिसे PATA कहते हैं, इसको ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और इस कैंपेन के बारे में कुछ फैक्ट है इम्पोर्टेंट, उनको भी जान लेते हैं। देखिए, ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ह्यूमन बाय नेचर पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो कि 2018 की बाढ़ और निपा के प्रकोप से प्रभावित थी। संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाते हुए इसका कंसेप्चुलाइजेशन और स्क्रिप्ट स्टार कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया था। इस अभियान ने केरल पर्यटन को 2019 में 2019 में पर्यटन के आगमन में 17.2% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने में हेल्प की थी, जो कि 24 वर्षों में सबसे अधिक थी। और फ्रेंड्स देखिए, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो पाटा है इसके अध्यक्ष हैं क्रिश बार्डलर, और जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो पाटा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2020 से 21 के लिए गण समाधनी लता मंगेशकर, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, उषा मंगेशकर को गण समाधनी लता मंगेशकर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 14 लोगों को दिया गया है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? वो हमें बताना, उस फील्ड का नाम बताना है, कौन सी फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को दिया जाता है। और ये कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 14 लोगों को इसे दिया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 सितंबर 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस के अवसर पर 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय काम के लिए दिया जाता है। जो भी अपने देश के लिए बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को कितनी कैटेगरीज में, कितनी श्रेणियों के अंतर्गत
अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऑप्शंस देखिए आपके 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया और ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट है हमारी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, यानी कि आपका 4 बार SS अभियान आ जाएगा इसके अंतर्गत। और सेकेंड है सामुदायिक शौचालय अभियान, जिसे SSA भी कहा जाता है। और थर्ड नंबर पर आपका गंदगी से मुक्त GMB, ये अभियान इन 3 कैटेगरीज के अंदर स्वच्छ भारत 2020 के पुरस्कारों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 3 लोगों को प्रदान किया गया है। और 3 लोग कौन कौन हैं, देखिए हार्वे जे अल्टर अमेरिका के, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के, इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इसको दिया गया है। और ये तीनों ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है, पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, रतन टाटा को इससे सम्मानित किया गया। ये हमारे रतन टाटा जी हैं, जिनको IACC, ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के इसके कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नौकर साहब कौन है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 3 लोगों को दिया गया है। ये है हमारे नोबेल प्राइज विजेता इन फिजिक्स, ठीक है, 2020 में इन 3 को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत प्रेडिक्शन खोजने के लिए, उसकी प्रेडिक्शन की रिसर्च के लिए, पूर्वानुमान की खोज के लिए इनको दिया गया है। और दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। यानी कि कुल 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये 3 लोग कौन है जिन्हें पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट है रोजर पेनरोज, सेकंड है रेनहार्ड गेंजल और थर्ड पर्सन है एंड्रिया घेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2017 में प्रकाशित काव्य कृति सेत बेलकूर नतीबा, ठीक है, इसके लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार किसको दिया गया है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, नित्यानंद नायक को। सेत बेलकूर नतीबा इसके लिए सरला पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज 2020 इकोनॉमिक अर्थशास्त्र कितने लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और कौन कौन है 2 व्यक्ति जिनको ये प्रदान किया गया है, फर्स्ट है हमारे पाल आर मिलग्रो, सेकंड है रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को अर्थशास्त्र का यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि नोबेल प्राइज है 2020 का। यह पुरस्कार मिलग्रो और विल्सन को ऑक्शन थ्योरी, जो नीलामी का सिद्धांत है, इसमें सुधार और नीलामी के लिए नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार समिति के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसको प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, बैंक ऑफ घाना। इस बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है, जो कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार समिति के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 के सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, मार्क कार्नी के द्वारा सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया है। मार्क कार्नी ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर
इन्होंने वर्ष 2020 के सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया, इनका निधन हो गया है, उन्होंने किस श्रेणी में पुरस्कार को जीता था, उनकी कैटेगरी हमको बतानी है, कौन सी कैटेगरी में उनको अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था भानु अथैया को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और फ्रेंड्स, ये ऑस्कर को जीतने वाले पहले भारतीय हैं जिनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर जो है, इनको 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का ये 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है और इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र से ISA सोर पुरस्कार 2020 इसका विश्वेश्वरैया पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जापान देश के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड तीन कैटेगरीज में प्रदान किए गए, जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट कैटेगरी है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, यह पुरस्कार ISA के चार क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है, जो कि जापान को दिया गया है। सेकेंड है कल्पना चावला पुरस्कार, यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और थर्ड नंबर पर है दिवाकर पुरस्कार, ये पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को काफी अधिक बढ़ाया है। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई जिन कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है। पुरस्कार के विजेता कौन है, विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया है। कल्पना चावला जो पुरस्कार है ये IIT दिल्ली, भारत के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी संयुक्त अरब अमीरात, इनके डॉक्टर आयशा अल नोमी, इनको दिया गया है। दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान जो कि हरियाणा में है और अरुसी सोसाइटी, इसको प्रदान किया गया है। और ISA के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भारत के द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, पेरिस फ्रांस में 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान इसे अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य ऐसे देशों जो कि आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं, उनको एक मंच पर लाना है जो कि स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ जलवायु, इन सब का समर्थन करते हो, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 इससे किसको सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, डॉक्टर जैजिनी वर्गीज, ठीक है, डॉक्टर जैजिनी वर्गीज को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजिनी वर्गीज को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2020 UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स 2020 के UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इसके विजेताओं में किस भारतीय संगठन को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन GHE इसको शामिल किया गया है।
और यह संगठन सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस अभिनेता को मरणोपरांत इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ओम पुरी को यह सम्मान दिया गया लेकिन मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि बोस्टन में हुआ था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 इसमें किस भारतीय फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, गली बॉय को। गली बॉय ने एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड जीता है। साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। बेस्ट फिल्म है पैरासाइट जो कि कोरिया की है। बेस्ट एक्टर है ली ब्यूंग हुन इन द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 इसे किस को सम्मानित किया गया वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, सतीश मिश्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कौन सा अवार्ड है ये? डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 इस अवार्ड से सतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि अवार्ड सेक्शन से रिलेटेड थे और आज हमने इन सबको कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के अच्छे से हो गए होंगे और वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।